बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 टेंथ क्लास का मैथ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है फाइंड पी इफ, नंबर 1 पार्ट है द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इसके जो रूट्स हैं डिफर करते हैं यूनिटी से, तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लेते हैं, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, चूंकि रूट्स अल्फा बीटा कंसिडर किए जाते हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, यहाँ आपके पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 1 है और सी की वैल्यू पी स्क्वेयर है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/1 यानी 1 ही आएगा, ए की वैल्यू भी 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1। उसने जो कंडीशन दी है कि डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी कहते हैं मैथमेटिक्स में 1 को, तो डिफरेंस इनका रूट्स का अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 जो कि गिवन कंडीशन से बनी है। और तीसरी इक्वेशन अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू पी स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर ओवर ए जो कि 1 है तो नहीं लिखा जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है आपकी। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को यूज करते हुए 1 और 2 इक्वेशन को यूज करें और अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप इनको ऐड कर सकते हैं, इनको सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करें। यहां मैं ऐड कर लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ऐड इसलिए करेंगे कि बीटा का कोफिशेंट 1 है और बीटा का कोफिशेंट माइनस 1 है, ऐड करने से बीटा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2/2, अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इस अल्फा की वैल्यू 1 आप किसी एक इक्वेशन में यूज करें, यूज इन 1, इक्वेशन 1 में यूज करें अल्फा की वैल्यू, तो 1 प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 आई है, 1 प्लस बीटा इज इक्वल 1, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 0। अब बीटा की वैल्यू है 0, अल्फा की वैल्यू है 1। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में यूज करें पी निकालने के लिए, जो कि अभी तक यूज नहीं हुआ, तो लिखेंगे यूज अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 0 इन 3, इक्वेशन 3 में यूज करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, इट मींस के पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आता है। अगर पी स्क्वेयर 0 है तो पी की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये था पी का रिजल्ट जो गिवन कंडीशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट करेंगे। कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। सेकेंड पार्ट में गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए माइनस 3/1, ए 1 आता है, अल्फा माइनस बीटा डिफर बाय 2। आप देख सकते हैं डिफरेंस 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दैट इज सी ओवर ए, ये सारा कांस्टेंट आपका सी है, पी माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए की जगह 1 है, वो ना लिखें आप। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो पिछले पार्ट की तरह बिल्कुल आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, ऐड 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। जब आप इनको ऐड करेंगे ये कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अल्फा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यूज करें, आप 1 में यूज कर लें, यूज इन 1। इसको इक्वेशन नंबर
वन में अल्फा की वैल्यू यूज करें। अब हम आते हैं इक्वेशन वन में अल्फा की वैल्यू माइनस वन ओवर टू पुट करें, माइनस वन ओवर टू प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वन ओवर टू। ये टू को थ्री से मल्टीप्लाई करें, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव ओवर टू। तो ये बीटा की वैल्यू माइनस फाइव ओवर टू आती है, अल्फा की वैल्यू माइनस वन ओवर टू। तो लिखेंगे यूज अल्फा बीटा इन थ्री, यूज अल्फा बीटा इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री में अल्फा बीटा यूज करेंगे, चूंकि पी की वैल्यू इसमें लिखी हुई है, अल्फा की वैल्यू माइनस वन ओवर टू प्रोडक्ट है थ्री इक्वेशन में, और बीटा की वैल्यू माइनस फाइव ओवर टू इज इक्वल टू पी माइनस टू। ये थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। तो हमारे पास आता है फाइव ओवर फोर, फाइव ओवर फोर इज इक्वल टू पी माइनस टू, एंड पी इज इक्वल टू फाइव ओवर फोर प्लस टू। माइनस टू इधर आएगा तो प्लस टू हो जाएगा। तो अब p की वैल्यू हमारे पास आती है 4 टू 8, 8 प्लस 5 13 ओवर 4। ये है आपका p। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों पार्ट हमने कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको सारे मैथ की वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।